Hello friends, we are back with English. We already have discussed two chapters and two poems from a syllabus. Children, today it's going to be the third chapter. Children, the name of the third topic that we are going to analyze today is The Cop and the Anthem. This chapter, children, is written by a very famous writer whose name is O. Henry. Children, though O. Henry is his pen name, इनका ओरिजिनल नाम है विलियम सिडनी पॉटर. ही वॉज एन अमेरिकन राइटर. अच्छा, बट मोर पॉपुलरली चिल्ड्रन ही इज नोन एज ओ हेनरी. नाउ फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही वॉज अ वेरी ओरिशियस रीडर. तो उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था, एक वीकली था, ह्यूमरस कॉमेडी. उस वीकली इज अ जर्नल चिल्ड्रन विच इज पब्लिश्ड एवरी वीक. नाम था द रोलिंग स्टोन. लेकिन ये जो रोलिंग स्टोन का उनका वेंचर था, एक बिजनेस, इट फेल्ड. और क्योंकि वो फेल हुआ था तो लेटर न्यूयॉर्क मोस्ट लाइक वी हैड अ वेरी फेमस न्यूज़पेपर जिसका नाम था हॉस्टन पोस्ट, जिसमें इन्होंने काम किया था एज अ रिपोर्टर कॉलमनिस्ट. और ओकेजनली चिल्ड्रन यूज़ टू वर्क एज अ कार्टूनिस्ट. नाउ द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे चिल्ड्रन दैट इज टर्म्ड एज द कॉप एंड द एंथम. दिस इज वन ऑफ द वेल नोन स्टोरीज विच आर रिटन बाय ओ हेनरी. और इनकी राइटिंग की जो एक खासियत थी, द स्टाइल ऑफ राइटिंग चिल्ड्रन, दे कॉल इट लाइक दिस, द स्माइल एंड ट्यूर्स. स्माइल एंड ट्यूर्स मीन चिल्ड्रन, स्टोरी पढ़ते पढ़ते कभी आपके चेहरे पे हंसी आएगी, कभी कभी आपके आंखों में से आंसू निकल जाए. और इनके स्टोरी के जितने भी एंडिंग्स आते चिल्ड्रन, दे आर वेरी ट्विस्टेड स्ट्रेंज. मतलब एट द एंड चिल्ड्रन, द राइटर मेक्स यू थिंक व्हाई दिस थिंग हैपन. और कुछ दिन तक आप सोचते रहोगे कि ऐसे क्यों हुआ था, और आपको ही इवेल्युएट करना है कि होता क्यों है ऐसे करके. सो endings which are very abnormal is a style of his writing. Now, whenever we have a story children, so we have also got a protagonist. Protagonist is the main character from the story. So yahan pe hai chalo apna lead actor Soapy. Acha abhi uske bare mein kya bolna hum logo. So he was a vagabond. Vagabond matlab hota hai awara. Criminal tha, jobless tha, homeless tha, rehne ke liye ghar nahi tha, park ke bench ke upar baithe rehta tha wahan pe. Theek hai. Now he has got a plan children. Now staying in the United States, winter is approaching near. और वहाँ की ठंड जो रहती है बच्चे लोग वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, एंड यू वोंट बी एबल टू बैर इट आउट. फ्रॉस्ट गिरता है, स्नो गिरता है. तो उसने क्या सोचा था कि कुछ क्राइम कमिट करते हैं और जहाँ पे बहुत साल पहले रह के आ चुका था उस प्रिजन में वापस से चले जाते हैं. दो तीन महीने के लिए खाने का और रहने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. दैट विल इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक यू नो ही जस्ट वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द सीवियर विंटर. ठीक है, बट एज यू नो चिल्ड्रन, जैसे हम लोग इमेजिन करते हैं सब कुछ चीज़ें वैसे एक्सपेक्टेड वे से होती नहीं है. सो वी हैव अ अनएक्सपेक्टेड एंडिंग टू दिस स्टोरी. सो ये पूरा लेसन में चिल्ड्रन, Soapy विल कीप ऑन मेकिंग सम फ्यूटाइल अटेम्प्ट. फ्यूटाइल लाइक दे डू नॉट बेयर एनी रिजल्ट, कुछ फल नहीं मिलेगा उसमें से. एंड ही गेट्स अरेस्टेड इन अ वेरी ह्यूमरस वेन. मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए यूजलेस थिंग्स विच मेक यू लाफ आर बेसिकली नोन एज ह्यूमरस वेन. इज लाइक फॉर एग्जाम्पल here we actually mean ki like it's a method that we have. The cop and anthem children, it basically represents freedom and confinement. Now two contradictory words children that we have come across here. Freedom ka matlab hota hai azadi. Abhi kise azadi chahta tha ye ladka? To ek to miseries are the bad phases of your life, you can say. Worries, difficulties. तो ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलें थी इसकी ज़िंदगी में, वो सबसे वो आज़ादी चाहता था. और ये आज़ादी के लिए वो कैद होना चाहता था. तो कैद के अंदर जाके वो आज़ाद होना चाहता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट. बट देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ चिल्ड्रन, जब वो एक चर्च के अंदर से ऑर्गन पे प्ले होने वाले एक एंथम को सुनता है. और वो एंथम उसके अंदर एक रेवोल्यूशन लाता है. और वो रेवोल्यूशन की वजह से ही थिंक्स दैट ही इज गोइंग टू चेंज हिज वे ऑफ लाइफ. इज गोइंग टू वर्क हार्ड, मेक समथिंग ऑफ हिज लाइफ, बिकम अ गुड मैन. और जैसे ही उसका नसीब उसके सामने खड़ा रहता है, जैसे वो डिसीजन लेता है, एंड देन ही रियलाइजेस व्हेन ही वांट्स टू लीव अ वेरी वर्चुअस लाइफ, देन ही इज पुट इन टू कन्फाइनमेंट. नाउ यू विल अंडरस्टैंड बेटर चिल्ड्रन एज वी मूव थ्रू द स्टोरी हियर. सो हियर वी आर विद द स्टोरी चिल्ड्रन. द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ, द कॉप एंड द एंथम. Soapy is a lead character. एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ है. He left his bench and strolled. Stroll का मतलब होता है to walk out of the square. Square children was a place like squares are basically many
roads, when they come and meet at a particular junction, the square we call it as, across the level, matlab railway crossing ke us taraf, there was a sea of asphalt. Children, that's a phrase. कि जितने भी वेस्टर्न राइटर्स होते हैं इनके राइटिंग उनके लिए नेटिव होते हैं, वहाँ के रीडर्स उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं चिल्ड्रन, बट व्हेन वी पीपल फ्रॉम इंडिया व्हेन वी रीड इट, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि लाइक वो सेटिंग क्या होता है. तो वी नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स. तो हर एक वर्ड का मीनिंग जब आप डिक्शनरी में जाके देखोगे तो आपको जो मीनिंग मिलता है वो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एप्लीकेबल हो. सी ऑफ एसफॉल्ट, सी यानी समुद्र होता है, एसफॉल्ट यानी डामर जो हम लोग रास्ता बनाने के लिए यूज़ करते हैं ऊपर कवरिंग के लिए. तो सी ऑफ एसफॉल्ट का मतलब यहाँ पे होता है वाइड स्प्रेड रोड्स, बहुत सारे रस्ते थे वहाँ पे जिसके ऊपर ये डामर फैला हुआ था. तो और वहाँ पे चिल्ड्रन देर इज अ फेमस प्लेस देर न्यूयॉर्क, वी कॉल इट एज ब्रॉडवे, वेरी फेमस फॉर थिएटर्स. तो ब्रॉडवे वहाँ पे एंड द फिफ्थ एवेन्यू दे फ्लू टूगेदर. तो जैसे वो ब्रॉडवे की तरफ गया वहाँ से उसने टर्न लिया था एंड देन ही केम अक्रॉस अ लग्जूरियस कैफे. कैफे इज लाइक यू नो कैफेटेरिया वी कैन से. लग्जूरियस था, बहुत ज़्यादा हाई फाई था, अलीशान था एकदम. ठीक है, अभी सोपी है ना, हाउ डज ही लुक एट हिमसेल्फ, खुद की तरफ वो कैसे देखता. तो उसने खुद को डिवाइड किया, चलो दो पार्ट्स में. वेस्ट, उसने एक कोट पहना हुआ था, कोट का सबसे नीचे वाला जो बटन था वहाँ से लेकर ऊपर तक, मतलब फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड, उसको खुद के ऊपर भरोसा. लेकिन जहाँ पे उसका कोट खत्म होता है उसके नीचे उसने जो पैंट पहना हुआ था, उसने जो शूज पहने हुए थे उसके ऊपर उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. एंड देन चिल्ड्रन ही डजंट हैव कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ. मतलब इनडायरेक्टली क्या चिल्ड्रन, कि ऊपर से अगर आप देखोगे सिर्फ ऊपर से कोट वगैरह तो यू विल फील कि लाइक हाँ ही इज मतलब अ जेंटलमैन. लेकिन जैसे नीचे देखोगे तो यू विल हैव अ डाउट अबाउट हिज जेंटलमैनशिप. नाउ ही वॉज शेवन, ही वॉज शेव किया हुआ था चिल्ड्रन, वेयरिंग अ कोट, और वो कोट के ऊपर मतलब कोट भी बहुत ट्रिम एंड नीट था. ब्लैक कलर का बो पहना होता उसने यहाँ पे कॉलर के यहाँ पे. ठीक है, जो बो उसको एक लेडी मिशनरी दिया था, एक सिस्टर ने दिया था चर्च के ऑन अ थैंक्स गिविंग डे. थैंक्स गिविंग डे चिल्ड्रन वेस्टर्न कंट्रीज में नवंबर के फोर्थ थर्सडे को थैंक्स गिविंग डे को मनाने का रिचुअल रहता है, तो उस वक्त उसको मिला था. ठीक है, ना वॉट हिज एम इज एक्चुअली चिल्ड्रन, उसको एक क्राइम कमिट करने का, कोई गुनाह करना है ताकि पुलिस उसको उठा के कहाँ पे जेल में डाल देगी, 3 महीने के लिए वो ठंडी से बच जाएगा, खाना पीना भी मिलेगा, रहने का भी इंतजाम हो जाएगा. अभी पहला क्राइम कमिट करने वाला, इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन अ रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड. उसको रेस्टोरेंट के अंदर जाना है, एक टेबल पे बैठना है खाना खाने के लिए, और वो भी बिना किसी संदेह क्रिएट किए हुए किसी के माइंड में, मीन्स विदाउट क्रिएटिंग अ डाउट, स्मॉलेस्ट डाउट इन समवन्स माइंड. और अगर वो ऐसा करता है तो सक्सेस वुड बी हीज, मतलब वो कामयाब हो जाएगा. ठीक है, नाउ एज वी सेड चिल्ड्रन, उसका जो पोर्शन टेबल पे जब वो बैठेगा चेयर पे, तो टेबल के ऊपर जो दिखने वाला पोर्शन रहेगा वो तो कोट रहेगा सिर्फ, और उसकी वजह से आपको पता है इट विल रेज नो डाउट इन द माइंड ऑफ द वेटर. वेटर के दिमाग में कोई डाउट नहीं आएगा. ठीक है, अंदर बैठ के क्या करने वाला था वो, ही वॉज गोइंग टू हैव अ जॉली टाइम सिटिंग इन द रेस्टोरेंट देयर एंड ही वॉज गोइंग टू हैव सम डिलीशियस मील. ऐसे भी उसको पैसा तो पे करने का था नहीं, सो ही वॉन्टेड टू हैव अ रोस्टेड मैलर्ड डक. डक यानी पता है आपको बतख. अच्छा, मैलर्ड इज बेसिकली नीले सिर वाला एक बतख आता है, उसको रोस्ट करके खाने वाला था ही थॉट. अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन माइट बी अ बॉटल ऑफ वाइन, कुछ चीज चाहिए था उसको, अ कप ऑफ कॉफी एंड टू एंड इट विद अ सिगार. और उसको लगता था कि सिगार के लिए $1 काफी रहेगा. मतलब क्या कि ही जस्ट वॉन्टेड टू कमिट दैट क्राइम सो हाई एज टू कॉल फॉर एनी एक्सट्रीम ऑफ रिवेंज फ्रॉम द कैफे मैनेजमेंट. ऐसा कोई गुनाह वो नहीं करना चाहता कि बाबा मैनेजमेंट ही पकड़ के उसको धोना चालू करे, या फिर दे माइट टेक सम स्ट्रिक्ट एक्सट्रीम रिवेंज अगेंस्ट हिम. नो, उसको सिर्फ उतना ही खाना खाना था. ठीक है, क्या कि वो पेट भर के खाए, खुशी भी मिले उसको, और उसको जाने का रास्ता साफ हो. कहाँ पे जाने का था उसको, विंटर आइलैंड चिल्ड्रन. नाउ हियर विंटर आइलैंड रिप्रेजेंट्स द जेल, जहाँ पे वो जेल था, जहाँ पे वो उसको रखने वाले थे. ठीक है, नाउ हियर सोपी गो चिल्ड्रन. जैसे ही सोपी ने अपना पैर अंदर रखा रेस्टोरेंट पे दरवाजे पे, तो जो हेड वेटर था अंदर, हिज आईज फेल अपॉन, दैट मीन्स ही सॉ. क्या देखा, ऊपर का कोट तो भूल जाओ, आपको पता है पूरी चीज़ों के ऊपर पहले नजर गिरते. तो ही सॉ हिज टैटर्ड ट्राउजर्स, की पैंट थी ओल्ड एंड टॉर्न आउट, एंड द डेकेडेंट शूज. डेकेडेंट मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट खराब होकर गायब होने के लिए आ गए थे. स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्नड हिम अबाउट एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस एंड हेस्ट टू द साइड वॉक.
मीन्स वॉट, वो वेटर जो था उसने उसको सिर्फ इशारा किया रहेगा कि निकल यहाँ से करके, तो बेचारा वहाँ पे उसने आर्ग्यू नहीं किया। साइड वॉक का मतलब होता है चिल्ड्रन यहाँ पे फुटपाथ, और उसने वो जो उसका इग्नोबल फेट था, मतलब कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं करा था, इनफैक्ट उसका नसीब उसको रिस्पेक्ट नहीं करा था, डिसऑनर कर रहा था, तो अवर्ट हो गया था। अवर्ट इज लाइक यू नो चिल्ड्रन टू अवॉइड समथिंग, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। और शायद वो जो मिनिस्ट मैलर्ड था, मतलब वो जो बत्तख था जिसको खाने वाला था, उसका भी नसीब खराब था कि वो इस तक पहुंचने वाला नहीं था। ठीक है, चलो पहला वाला जो उसका ट्रायल था, इट हैज टर्न आउट टू बी वेरी अनसक्सेसफुल। नाउ सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, ब्रॉडवे के अपोजिट साइड में घूम गया। नाउ इट वॉज लुकिंग एज इफ, इट सीम एज इफ, उसका जो रास्ता था वो चलो कहाँ पे, टू गो टू दैट कवेटेड आइलैंड। कवेटेड मीन्स चिल्ड्रन टू डिजायर समथिंग वेरी बैडली, बहुत बुरी तरीके से आपको अगर कोई चीज़ चाहिए रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आई कवेट फॉर समथिंग। इट अ कवेटेड आइलैंड, आइलैंड मतलब चिल्ड्रन अगेन वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट जेल। देन उसको पता था नॉट गोइंग टू बी ईजी वन, इतना आसान नहीं होने वाला था। ठीक है, सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइज, डिवाइज मतलब प्रिपेयर्ड प्लान, उसको लगा कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा उस लिम्बो में एंटर करने के लिए। चिल्ड्रन लिम्बो हियर मीन्स, सबके रिलीजन में बेसिकली दो वर्ड्स हम लोग को पता होते हैं, एक होता है स्वर्ग, एक होता है नर्क। नाउ वी हैव वन प्लेस चिल्ड्रन जहाँ पे नर्क और स्वर्ग का कॉम्बिनेशन मिले, मतलब अच्छा ही उसका बॉर्डर, बॉर्डर प्लेस चिल्ड्रन बिटवीन हेवन एंड हेल इज कॉल्ड एज अ लिम्बो, मतलब वो जाना चाहते जेल एंड नर्क होता है, लेकिन वहाँ पे जाके इसको उसके बेसिक नीड्स मिलने वाले थे, इसलिए उसको हेवन भी मानता है। ठीक है, चलो हियर सोफी गोज टुवर्ड्स हिज नेक्स्ट ट्रायल, अभी अगला अटेम्प्ट करने वाला है वो अरेस्ट होने के लिए। सो एट अ कॉर्नर ऑफ द सिक्स्थ एवेन्यू, सिक्स्थ एवेन्यू कुड बी अनदर रोड चिल्ड्रन, फिफ्थ एवेन्यू उसके आगे सिक्स्थ एवेन्यू, उसे देखा वहाँ पे वो चलो एकदम ब्राइट चलने वाले कुछ लाइट्स देखे थे उसने। एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स, कनिंग इज लाइक चिल्ड्रन बिट्रेइंग, डिसीट धोखा देने वाले, वेयर्स यानी अंदर की चीज़ें, कांच में से दिख रहे थे, अंदर शॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्प्ले में रखी हुई थी, बिहाइंड द प्लेट ग्लास, ओके, मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। चलो हियर ही गोज चिल्ड्रन, सोफी ने उठाया एक पत्थर और सीधा फेंका था उस कांच की तरफ, और वो शायद कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अभी लोग भाग के हुए आने लगे वहाँ पे देखने के लिए कि क्या हुआ है, और वो लोगों के आगे था एक पुलिस वाला। अभी पुलिस वाले को देख के सोफी मस्ट हैव फेल्ट वेरी हैप्पी, चलो अपना अभी कामयाबी आ रही थी। सोफी चुपचाप वहाँ पे खड़ा था, ठीक है, अपने जेब में हाथ डाल के एकदम कैजुअली खड़ा था। एंड जैसे पुलिस वाले आके वहाँ पे खड़ा रहता है, यहाँ पे एक फ्रेज यूज़ किया गया चिल्ड्रन, साइट ऑफ ब्रास बटन्स, ब्रास बटन चिल्ड्रन पुलिस का जो यूनिफॉर्म होता है उस पर जो बटन्स होते हैं ब्रास होते हैं, तो ब्रास बटन हियर मीन्स चिल्ड्रन द पुलिस मैन, और ये उसको देख के स्माइल करता है। तो पुलिस वाले का सवाल था रेडी चिल्ड्रन, वेयर इज द मैन दैट डन दैट, कहाँ पे वो आदमी जिसने ये किया, इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेटेडली, बहुत गुस्से से पूछा था उसने, एंगर एंड अलॉन्ग विद दैट वी कैन से ही वॉज वेरी ट्रबल, गुस्से में था। अभी लड़का सोच रहा है कि अरे क्या पागल आदमी रहेगा, मैंने पत्थर मारा, मैं यहाँ पे खड़ा और ये पूछते जा रहा है कि किसने किया है करके। तो सोफी बोलता है कि सर डोंट यू थिंक दैट आई हैड समथिंग टू विद दैट, आपको नहीं लगता है कि ये सब मैंने किया हुआ है, मेरा कुछ इससे रिश्ता, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? सर सोफी विद अ फ्रेंडली वॉइस एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून, अपने फॉर्चून अपने नसीब को अपनी तरफ आकर्षित करा था। अभी पुलिस वाला बोलता है चल दिमाग मत खा, अभी ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोफी इवन एज अ क्लू, मतलब थोड़े से भी डाउट से भी देखना नहीं चाहता था बच्चे लोग वो सोफी की तरह। वो बोलता है कि अच्छा हाँ, वो लोग जो पत्थर वगैरह कांच ऐसा तोड़ते रहते हैं वो पुलिस के साथ में बातचीत करने के लिए कभी रुकते हैं क्या? दे टेक टू देयर हिल्स, तेरे को पता है भाग जाते हैं ऐसे लोग काम करने के बाद, तू टाइम पास मत कर मेरा कर, ठीक है। और तब तक पुलिसमैन की नज़र कहाँ पे गए बच्चे लोग, तो इस मैन हाफ वे आधा भाग रहा था, कहाँ पे मतलब ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार, एक आदमी था बेचारा कार पकड़ने के लिए भाग रहा था, अभी पुलिस उसके पीछे भागा। ही ड्रू हिज क्लब, क्लब यानी उसके पुलिस के हाथ में जो लकड़ी रहती है उसको क्लब बोलते हैं, इन द पर्सूट, पर्सूट यानी पीछा करना, ठीक है। सोफी का मूड कैसे था, डिसगस्टेड डिसअपॉइंटेड, दिल से बहुत दुखी हो गया था, यानी ड्रिफ्टेड अलॉन्ग, खुद को खींचते हुए लेके जा रहा था। ट्वाइस अनसक्सेसफुल, दो बार वो चले अनसक्सेसफुल हुआ था, पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं, जबकि ये deliberately wants to get arrested children, ठीक है। चलो next trial, अभी रस्ते के उस पार on the opposite side of the street was a restaurant with no great pretensions, मतलब इतना ज़्यादा कुछ अलीशान नहीं लग रहा था, moderate था children, and it only catered is like to accommodate people with large appetites, मतलब पेट भर के खाने का है और पर्स ज़्यादा खाली नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए, मतलब middle class people।
अंदर क्या दिखता था आपको? बहुत सारा क्रॉकरी, क्रॉकरी यानी वो चाइना क्ले के जो वेसल्स होते हैं जिसमें हम लोग को खाना परोसा जाता है। अच्छा, उधर का एटमोसफेयर यानी भीड़ थी वहाँ पे, थिक वर्ड यूज़ किया गया, लेकिन अंदर जो सूप मिलता था और जो नैपरी था, नैपरी लाइक क्लॉथ्स जो यूज़ होते टेबल पे वगैरह, वो थिन थे। थिन मतलब नॉट सो क्वालिटेटिव। अच्छा चलो, वहाँ पे घुस गया था वो। सोपी बिटुक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज, मतलब ये चैलेंज उसने एक्सेप्ट, मतलब इट्स नॉट अ चैलेंज। ऐसे होटल में जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और कोई उसको रोकने वाला भी नहीं था। बिटुक इज पासेंस ऑफ बीटेक, ठीक है, एक टेबल पे जाके बैठ गया। ठीक है, उसने क्या क्या खाया था देखो, बीफ स्टिक, बीफ चिलन दो इन इंडिया कैन क्रिएट प्रॉब्लम, फॉरेन कंट्रीज में कंज्यूम किया जाता है, फ्लैप जैक्स, ओट का बनाया हुआ केक रहता है, और डोनट्स, डोनट्स चिलन इट्स पाव, एक पाव रहता है जो ब्रेड विच इज़ राउंड और विद अ होल इन बिटवीन, अपना जो मेंदोड़ा था उस टाइप का, एंड अ पाई, एंड देन ही टोल्ड द वेटर। ठीक है, वेटर को उसने ये सब खाया था उसने, और फिर बाद में वेटर को बोला कि बोला देख वेटर, मेरे जेब मैंने फूटी कौड़ी भी नहीं, आई डोंट हैव द माइन्यूटेस्ट कॉइन, या फिर छोटा से छोटा कॉइन, और मैं बिल्कुल अनजान है, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। चलो हाँ, और आगे उसका एटीट्यूड देखो, बोले कि चल अभी चलता बंद, काम चालू करो, गेट बिजी एंड कॉल द कॉप, पुलिस को बुला, सेड सोपी। अच्छा, यू कैनॉट मेक अ जेंटलमैन लाइक मी कीप वेटिंग हियर, मतलब मुझे मेरे जैसे जेंटलमैन को आप ऐसे यहाँ पे इंतजार नहीं करवा सकते, फटाक से पुलिस को बुलाओ और मुझे पुलिस को अलावा कर दो, क्योंकि एक चवन्नी और मैं बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं। तो वेटर क्या बोलते हैं, बोलते चलो, बोलते नो कॉप फॉर यू, तुम्हारे लिए पुलिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका आवाज़ बच्चों बिल्कुल एकदम बटर केक के जैसे था, और उसके आईज जस्ट लाइक अ चेरी, कौन सा चेरी, तो कंपेरिजन दिया मैनहट्टन, दैट्स अ प्लेस इन अमेरिका। ओके, कॉकटेल, कॉकटेल चिल्ड्रन बेसिकली जहाँ पे अलग अलग वाइन्स को कंबाइन करके जब एक ड्रिंक बनाया जाता है उसको कॉकटेल, उसके ऊपर फ्लोट करने वाला एक चेरी रहता है, इफ यू जस्ट कैन सी द पिक्चर मैट बी। हे कौन, उसने अपने साथी को बोला वेटर ने, ठीक है, दोनों ने उसको पकड़ा था नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द कैलोज पेमेंट, कैलोज इट्स लाइक चिल्ड्रन वेरी हार्ड। अच्छा, टू वेटर्स पिच्ड सोपी, पिच्ड इज लाइक टू पुश, धक्का दिया था और उसको सीधा फुटपाथ के ऊपर फेंक दिया था उठा के, और ये बेचारा वहाँ पे खुद को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करके, जैसे एक कारपेंटर होता है चिल्ड्रन, उसके पास एक रूल होता है, रूल यानी टेप, वो 5 फीट वाला, वो ओपन होता है ऐसे फोल्ड करके, वैसे ही अपने बॉडी के एक एक पार्ट को उठा रहा था ज़मीन से, कपड़े गंदे हो गए तो इसे डस्टेड इज क्लोथ्स। ठीक है, नाउ अरेस्ट सीम नाउ बट एन एलूसिव ड्रीम, एलूसिव मतलब होता है चिल्ड्रन वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, मिलना उसको, उसका ड्रीम क्या था, जेल में जाने का था, लेकिन उसको लग रहा था कि सपना उसके दूर भागते जा रहा था। ठीक है, एंड द आइलैंड सीम वेरी फार अवे, वो जो आइलैंड जहाँ पे वो जेल था वहाँ पे जाना ऑलमोस्ट लाइक नामुमकिन लग रहा था। ठीक है, अ पुलिसमैन हू स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोर, एक ड्रग स्टोर के आगे एक पुलिस वाला खड़ा था, टू डोर्स अवे मतलब दो दरवाजे आगे, लेफ्ट एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट, ये सब देखते हुए वो वहाँ से चला गया था, मतलब उसने भी इसको नहीं पकड़ा था। अभी सोपी को बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट होने लगा था, उसको लग रहा था कि ही वॉज सीज विद अ सडन फियर, मतलब एक डर बैठ गया था उसके मन में कि कोई तो जादू है, कोई एन्चेंटमेंट है यहाँ पे, कोई जादू है जिसकी वजह से वो अरेस्ट ही नहीं हो रहा है, रेंडर्ड हिम इम्यून टू अरेस्ट, इम्यून इज लाइक यू नो रेजिस्टेंट टू अरेस्ट, मतलब जैसे हम लोग, अपन को कोई बीमारी नहीं होना चाहिए इसलिए हम लोग ऐसे टीका वगैरह लेते हैं, ऐसे लग रहा था कि उसने, उसके अंदर भी ऐसे कोई जादू हो गई थी कि वो अरेस्ट होने वाला ही नहीं था। ठीक है, तो उसको लगा कि इट वॉज वेरी पैनिकिंग, पैनिक इज लाइक फियरफुल, ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि ठंडी के टाइम पर यहाँ पे रहेगा तो ऐसे भी मर जाएगा, इससे अच्छा तो मैं जेल में चला जाऊँ। ठीक है, नाउ ही केम अक्रॉस अनदर पुलिसमैन, उसने दूसरे पुलिस वाले को देखा जो आराम कर रहा था लॉन्चिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्लिटरिंग थिएटर, जैसे कि मैंने आपको बोला वहाँ पे ब्रॉडवे के वहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स होते हैं, लाइक देर आर लॉट्स ऑफ थिएटर चिल्ड्रन एंड विच आर वेरी लैविश विद ऑलमोस्ट अ कैपेसिटी ऑफ 500 पीपल हू कैन अकोमोडेट इन अ थिएटर। अच्छा, नाउ ही थॉट चिल्ड्रन ही कॉट एट द इमीडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट, मतलब ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, मतलब आखिरी ट्राई देना चाहता था वो। उसने क्या किया, सिया टू कैच अ इमीडिएट स्ट्रॉ, दैट मीन्स टू गिव इट अ ट्राई और टू गिव इट अ लास्ट ट्राई, उसने सोचा अभी कुछ गलत करूंगा मैं, डिसऑर्डरली कंडक्ट मतलब गलती कर। ठीक, ऑन द साइड वॉक यानी फुटपाथ, सोपी बिगैन टू येल ड्रंकन, जैसे कोई आदमी शराब पी के चल रहा है वैसे, गिबरिश, गिबरिश का मतलब होता है चिल्ड्रन विदाउट एनी मीनिंग, कुछ भी बड़बड़ रहा था। ना एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस, आवाज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था उसका, हार्श था, डांस कर रहा था रस्ते पे, हाउल चिल्ला रहा था, रेव पागल जैसे बिहेव कर रहा था,
एंड ही डिस्टर्ब द स्काइज, आसमान को भी डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। लेकिन पुलिस की तरफ देखा तो चिल्ड्रन पुलिस नियरली हार्डली ट्वर्ल मतलब उसके हाथ के अंदर जो डंडा था वो घुमाते हुए जा रहा था क्लब, टर्न इज बैक टू सोपी एंड रिमार्क टू सिफ, उसने तो सीधा सोपी की तरफ पीठ घुमा दी थी, उसको इग्नोर किया। और वो जाते जाते एक आदमी मिला, उसको क्या बोला था पता है, इट इज वन ऑफ देम यल लैड्स, क्या बोला देखो चलो, इट इज वन ऑफ देम यल लैड्स। नाउ चिल्ड्रन व्हाट इज दैट फ्रेज नोन एज, ये येल लैड्स होते क्या है, येल चिल्ड्रन इज द नेम ऑफ अ यूनिवर्सिटी, लैड का मतलब होता है लड़का, यहाँ पे येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक लड़का, ठीक है। नाउ दे आर सेलिब्रेटिंग द गूज एग दे गिव टू द हार्टफोर्ड कॉलेज, इसका मीनिंग समझो, हार्टफोर्ड कॉलेज अनदर कॉलेज, येल यूनिवर्सिटी इज अ डिफरेंट कॉलेज, दोनों के बीच में हुआ था एक फुटबॉल का मैच जहाँ पे येल के स्टूडेंट्स ने हार्टफोर्ड कॉलेज के टीम को फुटबॉल के मैच में हराया था विद अ गूज एग, मतलब सामने वाली टीम को एक भी गोल करने के लिए अलाउ नहीं किया था, और नॉइजी बट नो हार्म, बोले ये चिल्ला रहा है ठीक है लेकिन अपन को कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा है, एंड वी हैव इंस्ट्रक्शंस नॉट टू लेट देम बी और टू लेट देम बी, मतलब ऊपर से ऑर्डर से कि इन लोगों को अरेस्ट वगैरह नहीं करना है, इनको जो करना है करने दो। चलो इसका मतलब ये पुलिस भी चला गया यहाँ से। सो डिसकॉन्सुलेट चिल्ड्रन हियर मींस डिसअपॉइंटेड, वेरी अनहैप्पी, ठीक है। सो सोपी स्टॉप इज अनवेलिंग रैकेट, अभी जो तमाशा करा था यहाँ पे उसने उसको बंद कर दिया था। वुड नेवर अ पुलिस मैन ले हैंड्स ऑन हिम, क्या कभी कोई पुलिस वाले इसको अरेस्ट करने वाला ही नहीं था, और वो जो आइलैंड था जहाँ पे वो जाने वाला था, उसको जाना चाहिए था जहाँ पे, इट सीम चिल्ड्रन लाइक अ अनअटेनेबल आर्किडिया, आर्किडिया मतलब जन्नत, पैराडाइज, जो उसको कभी नहीं मिलने वाली थी, ऐसे लग रहा था उसको। तो चलो उसने अपने कोट के बटन्स लगा दिए थे और ही स्टार्टेड वॉकिंग एंड देयर वाज अ चिलिंग विंड, जैसे कि बार बार यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहे हो कि विंटर नज़दीक आते जा रहा था, ठीक है। फिर आ गया तो एक सिगर की शॉप के वहाँ पे, वहाँ पे उसने देखा एक आदमी था, वेल ड्रेस्ड था, वो सिगार लाइट कर रहा था अगेंस्ट स्विंगिंग लाइट, स्विंगिंग लाइट इज चिल्ड्रन, वो लाइटर रहता है जो लटकते रहते हैं उसको हम सिगार लाइट करते हैं, ठीक है। उसने बाजू में रखा था एक सिल्क का अम्ब्रेला, ठीक है। तो जैसे ही सोपी ने एंटर किया, व्हाट ही डिड इन चिल्ड्रन, ही ग्रैब्ड द अम्ब्रेला एंड सॉन्टर्ड ऑफ विद इट स्लोली, ये गया ऐसे वो अम्ब्रेला उठाया ना जैसे कि आराम से मेरा ही ये करके, सॉन्टर्ड चिल्ड्रन इज लाइक इन वेरी रिलैक्स्ड, एंड देन ही स्टार्टेड वॉकिंग। तो जो आदमी सिगार चला रहा था जिसका ये छाता था, उसने उसको घाई गड़बड़ी में फॉलो किया था, फॉलोड हिम हेस्टिली, ओ इट्स माई अम्ब्रेला ही सेड सडन स्टर्नली, स्टर्नली सीरियस, तो बोलता कि अरे छाता मेरा है वो, ये लड़के का एटीट्यूड देखो, बोले हाँ तेरा छाता, स्नियर सोपी, स्नियर का मतलब था चिल्ड्रन टू मॉक समवन, किसी का मजाक उड़ाना, एडिंग इंसल्ट टू पेटी लार्सनी, मतलब चिल्ड्रन इसने लार्सनी, चिल्ड्रन किसी का पर्सनल चीज़ का चोरी करते उसको लार्सनी बोलते हैं, पेटी यानी छोटा, एक तो उसका छाता होता है और छोटा सा इंसल्ट भी करा जाए, अच्छा तेरा छाता है वाह वेल देन वाई डोंट यू कॉल अ पुलिस मैन, लाइक काम करना, तेरा छाता तो पुलिस वाले को बुला, आई टुक योर अम्ब्रेला, हाँ मैंने लिया है, तेरा छाता ले चल, क्या करेगा पुलिस को बुलाएगा, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, उसको तो सीधा चैलेंज ही करा है, दैट स्टैंड फॉर, बोले कि पुलिस वाले चाहे तो देख उधर बाजू में खड़ा है उसको बुला ले, ठीक है। द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स, सडनली वो जो अम्ब्रेला का ओनर था चलो उसने अपने पैर थोड़े धीमे किए, अच्छा सोपी ने भी अपने पैर धीमे किए थे विद अ प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन का मतलब होता है डाउट, अभी उसको डाउट आया क्या कि लक नसीब उसको वापस से धोखा देने वाला था, इट वॉज गोइंग टू अगेंस्ट हिम, ठीक है। पुलिसमैन दोनों को देख रहा था और हंस रहा था उनको देख के, ऑफकोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन, वेल यू नो हाउ दिस मिस्टेक्स ऑकर, जाने दो ना सर कभी कभी गलती हो जाती है, शायद मैं सुबह किसी रेस्टोरेंट में था तभी मैंने वहाँ से छाता लिया था, मुझे पता नहीं था कि वो आपका था, तो प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर देना, आई पिक इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है। इफ़ यू रिकग्नाइज, अगर आपको लग रहा है कि वो आपका है तो प्लीज़ आप ये छाता लेके जाइए करके, ठीक है। नाउ एज ही सेड दिस चिल्ड्रन, जैसे उन्होंने बोला था यहाँ पे, नाउ हियर चिल्ड्रन ही सेज दैट कि ऑफकोर्स अगर ये तुम्हारे चाहते तुम लेके जाओ, ऐसे किसने बोला था, वो अम्ब्रेला के ओनर ने, अभी ये बच्चा क्या बोलता पता है, ऑफकोर्स इट्स माइन, बोले कि तुम्हारा मतलब मेरा ही हो, ऑफकोर्स इट इज़ माइन सेड सोपी सैविजली, सैविजली लिटिल एटीट्यूड विथ एंगर, ठीक है। वो जो अम्ब्रेला का ओनर था चिल्ड्रन, द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड, वो पीछे हट गया था, ठीक है। और तब तक पुलिस वाला है ना वहाँ पे, अ टॉल ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड इज लाइक एग्जाम्पल ब्राइट लुकिंग विद कर्ली हेयर एंड ओपेरा क्लोक अक्रॉस
जिसका भी बाल बच्चे थोड़ा पैल येलो हेयर होता है उसको हम लोग यहाँ पे ब्लॉन्ड बोलते हैं. अ पर्सन वाज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, तो उसको हेल्प करने के लिए, ओके, कार उसकी तरफ आ रहा था, उसको हेल्प करने के लिए कौन निकल गया था बच्चे लोग? ये पुलिस वाला. तो ठीक है, टू ब्लॉक्स अवे. नाउ ही लेफ्ट इट, दैट मीन्स पुलिस हैड अगेन इग्नोर्ड हिम हियर. ठीक है. नाउ एज सोपी वॉज वॉकिंग फर्दर चिल्ड्रन, जैसे सोपी आगे जा रहा था, ठीक है, वो जा रहा था, उस रास्ते को पूरा डैमेज हुआ था, वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, इम्प्रूवमेंट्स हो गई. अच्छा, उसने वो अम्ब्रेला गुस्से से लिया, चलो वहाँ पे कुछ एक्सकावेशन चला था, एक्सकावेशन मतलब जमीन खोद के रखा था, खड्डा था, उसने फेंक दिया गुस्से से, ठीक है. एनी मटर्ड, मटर्ड मतलब टू स्पीक समथिंग स्लोली, मर्मर अगेंस्ट द मैन हु वेयर, किसके खिलाफ बोल रहा था? हेलमेट्स और हेलमेट्स पहनने वाले और क्लब्स कैरी करने वाले लोगों के खिलाफ, मतलब कौन? चिल्ड्रन, पुलिस. नाउ ही वॉन्टेड टू फेल इन द क्लचेस, वो चाहता था कि वो हथकड़ी उसके हाथ में आए. हाँ, लेकिन वो पुलिस वाले एक तरफ थे कि वह ऐसा सोच रहे थे कि भाई जैसे कोई राजा है कौन सोपी, और इसके हाथ से कोई गलती हो ही नहीं सकती, ऐसे बिहेव कर रहे थे आज सब लोग. ठीक है. नाउ एट लेंथ सोपी रीच वन ऑफ द एवेन्यूज टू द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ एक रोड पे जाके पहुंच गया था, वेयर द ग्लिटर एंड टर्मोइल वॉज बट फेंट, फेंट मतलब लेस चिल्ड्रन, ठीक है. वहाँ पे जो आवाज़ था ग्लिटरिंग था, मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, इट मीन्स चिल्ड्रन कोई हाईफाई इलाका रहेगा जो एकदम काम था. नाउ ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स द मेडिसन स्क्वायर, अगेन चिल्ड्रन, इट्स न्यूयॉर्क हियर, मेडिसन स्क्वायर इज अ प्लेस. अच्छा, ही हैड दैट होमिंग इंस्टिंक्ट, क्योंकि वो हमेशा पार्क के अंदर ही बैठा रहता था, कभी वो पार्क बेंच को देख के उसको लगा कि मैं अपने घर की तरफ ही आया. देखो, भले आप पार्क में रहो या फिर घर पे रहो, एक जो होम इंस्टिंक्ट होता है, घर वाला फीलिंग, वो कहीं पे भी आ जाता है आपको. ठीक है. नाउ इट वॉज अ अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर, और फिर वहाँ पे आके सडनली सोपी रुक गया था, क्योंकि वहाँ पे एक पुराना चर्च था. क्विंट, क्विंट का मतलब क्या होता है? ओल्ड फैशन. रैम्बलिंग, रैम्बलिंग मतलब फैला हुआ था बहुत सारा, स्प्रेड अक्रॉस. गैबल, गैबल चिल्ड्रन, अगर आप वो पुराने टाइम के चर्चेस को देखोगे तो कासल के जैसे ऊपर जो ट्राइंगल शेप्स होता है उसको रैबल गैबल्ड करके बोलते हैं. ठीक है. उसने खिड़की में से थ्रू वायलेट स्टेन्ड विंडो, ओके, सॉफ्ट लाइट ग्लोड, कुछ लाइट देखा. नो डाउट द ऑर्गेनिस्ट लॉइटर्ड ओवर द कीज, एक ऑर्गेनिस्ट था जो पियानो बजा रहा था वहाँ पे, ठीक है, मेकिंग श्योर ऑफ हिज मास्टरी ऑफ द कमिंग सैबथ एंथम. तो सैबथ, सैबथ चिल्ड्रन, इट्स लाइक बहुत सारे रिलीजन्स में काम करने के बाद में एक आध दिन ऐसा होता है जब वो आराम कर रहे थे. इट कुड बी लाइक अ संडे इन क्रिश्चियन पीपल, और फॉर द इस्लामिक पीपल इट्स लाइक अ फ्राइडे. उस दिन के लिए, चर्च के लिए वो कुछ गाना प्रैक्टिस कर रहा था, मास्टरी कर रहा था. ठीक है. अच्छा, अचानक से सोपी की ईयर से ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्टेड इज लाइक टू फ्लो, ठीक है, टू द स्वीट म्यूजिक दैट कॉट एंड हेल्ड हिम ट्रांसफिक्स. वो जगह की जगह उधर ही खड़ा हो गया था, ओके, ऑफ द आयरन फेंस. वो बॉर्डर पे खड़ा था बच्चे, वहाँ पे एक आयरन था फेंस बनाया हुआ था, कॉन्वल्शंस वाला. कॉन्वल्शंस क्या होते चिल्ड्रन? वो जो तार होता है उसको ट्विस्ट करके, जो कंपाउंड के लिए तार यूज़ करते हैं उसको कॉन्वल्शंस बोला जाता है. ठीक. अभी थोड़ा सा ऊपर उसने देखा था चिल्ड्रन, एंड वॉट डिड ही स्पॉट चिल्ड्रन? अ ब्यूटिफुल मून वॉज अबव, फुल एंड रेडियंट, पूरा था, चमक रहा था. व्हीकल चल रहे थे, पेडेस्ट्रियंस थे, रोड पे चलने वाले लोग थे. स्पैरोज ट्विटरिंग कर रहे थे स्लीपीली इन द ईव्स, आर बेसिकली इवनिंग सीजन से. ठीक है. और ये पूरा का पूरा जो इलाका था, ये एक कंट्री का चर्च था. कंट्री इज लाइक जो इलाका, चलो मेन टाउन से बाहर आता है उसको हम लोग कंट्री करके बोलते हैं. ठीक है. और जो एंथम जो ऑर्गेनिस्ट प्ले कर रहा था, जो गाना ऑर्गेनिस्ट बजा रहा था, इट सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस. सीमेंटेड इज लाइक यू नो, पकड़ के रखना, मतलब वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा था. ठीक है. अच्छा, उसको लगा कि ये सब जाना पहचाना लग रहा था, जब उसका लाइफ थोड़ा अलग था. इन द लाइफ कंटेंट सच थिंग्स, जैसे कि अपने ज़िंदगी में बच्चे एक माँ, बहुत सारे रोजेस यानी अच्छाई, एम्बिशंस थे, फ्रेंड्स थे, और इमैक्यूलेट थॉट्स एंड कॉलर्स. इमैक्यूलेट मीन्स गुड, अच्छा, अच्छे ख्याल थे मन में और अच्छे लोग भी थे ज़िंदगी में. ये पहले का ज़िंदगी है, उसको सडनली याद आता है वो एंथम सुनने के बाद. ना सडनली व्हाट हैपन चिल्ड्रन, द कंजंक्शन ऑफ सोपीज रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड एंड द इन्फ्लुएंसेस अबाउट द ओल्ड चर्च. अभी ये लड़का है, ही इज़ वेरी रिसेप्टिव, रिसेप्टिवली ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट सर्टन चेंजेस चिल्ड्रन. कंजंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन. और उसकी ज़िंदगी को वो जो चर्च का एंथम था वो थोड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था. ठीक है. और आ गया था बच्चे, इस बच्चे के अंदर एक वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, इसकी आत्मा बदल रही थी अभी. ठीक है. उसने जब देखा बच्चे लोग द राइजिंग हॉरर, द पिट इन टू विच ही हैड टंबल, ऐसे लग रहा था कि कोई खाई है, कोई गड्ढा है जिसके अंदर वो गिर गया था. ठीक है. उसकी ज़िंदगी के जो बुरे दिन थे, डिग्रेडेड डेज,
ओके, कुछ ऐसी इच्छाएं थी बच्चे जो कभी पूरी नहीं होने वाली थी, अनवर्दी डिजायर्स, डेड होप्स एंड होपलेस, रिकॉर्ड फैकल्टीज, कुछ करियर का करना चाहता लेकिन लग रहा था कि लाइक इट वॉज टोटली स्पॉइल्ड, एंड बेस मोटिव्स, मतलब बेसिकली जो भी चीज़ वो चाहता था ये सब चीज़ें अभी उसके मन में कोई जगह नहीं रख रही थी। एंड ही सडनली थॉट चिल्ड्रन दैट दिस थिंग्स कैन बी ओवरकम, ठीक है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली, एक दिल के अंदर बोलते ना जैसे कि एक गूज बम्स जैसे आते हैं, एंड उसका जो स्ट्रेंज मूड था चिल्ड्रन ये उसने अभी एक्सपीरियंस किया था, और अंदर से एक इम्पल्स, एक इंट्यूशन आया मूड हिम टू बैटल विथ हिज डेस्परेट फैक्ट। तो अंदर ही अंदर बच्चों लगे एक झगड़ा चालू हो गया था, बैटल एक कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया था, ठीक है। नाउ ही जस्ट वॉन्टेड टू पुल हिमसेल्फ ऑफ द मायर, ये गंदगी से वो बाहर खींचना चाहता था खुद को, एंड ही वॉन्टेड टू मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ, खुद को एक आदमी बनाना चाहता था, अच्छा आदमी, अच्छा बुराई के ऊपर जीत हासिल करनी थी उसको। ही जस्ट वॉन्टेड टू कॉन्कर द ईविल जिसने उसको अपना गुलाम बना के रखा था, एंड देयर वॉज टाइम, अभी भी क्या वक्त नहीं गया था, वो क्या बूढ़ा नहीं हुआ था, ठीक है। ही शुड रेजुरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस, पुरानी जो इच्छाएं थी जब वो अच्छा था उसको कोशिश करेगा पूरा करने के लिए, एक रेजुरेक्शन था चिल्ड्रन, एक पुनर्जन्म था उसके लिए, विदाउट फॉल्टरिंग चिल्ड्रन। फॉल्टरिंग हियर वुड एक्चुअली मीन चिल्ड्रन ही वॉज नॉट गोइंग टू लूज होप्स, ही वॉज नॉट गोइंग टू लूज स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे ही चिल्ड्रन दोज ऑर्गन सॉलम आर वेरी कूल एंड सीरियस नोट्स, पियानो के जो नोट्स उसने सुने थे, ऑर्गन नोट्स करके बोला गया है सेटन, उसके अंदर एक रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों लोग क्रांति, एक क्रांति आ गई थी उसके अंदर, ठीक है। चलो नाउ ही हैज डिसाइडेड टू चेंज हिमसेल्फ चिल्ड्रन, टुमारो यू गो इनटू द रोरिंग डाउनटाउन, रोरिंग इज लाइक यू नो क्राउडेड एंड नॉइजी, ओके, डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, ही विल ट्राई टू फाइंड सम वर्क, कुछ काम ढूंढेगा। उसको सडनली आता है एक बार एक फर यानी एनिमल्स का जो स्किन होता है उसको इंपोर्ट करने वाले एक आदमी ने उसको एक जॉब ऑफर किया था बच्चे लोग, किसका, ड्राइवर का, तो वहाँ पे जाके भी वो पूछेगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट वो कुछ बनना चाहता था बच्चे लोग इस दुनिया में, ही जस्ट वॉन्टेड टू बी समबडी इन द वर्ल्ड, ही वुड, ठीक है। तब तक सोची के कंधे पे किसी का हाथ गिरा, ऑन हिज आर्म ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द इम्पैसिव फेस ऑफ पुलिसमैन विदाउट एनी इमोशंस, दैट पुलिसमैन वाज स्टैंडिंग देयर पुटिंग हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर्स। और ये पुलिस वाला उसको क्या पूछता है पता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, बोले इधर क्या कर रहा है, आज द ऑफिसर। तो सोपी ने बोला कि कुछ नहीं सर, सोपी तो बोले कुछ नहीं तो एक काम कर चल मेरे साथ में अभी, हाँ अंदर रखता हूँ तेरे को, और फिर उसको अरेस्ट किया था और लेके गया। जब सोपी को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था इन द पुलिस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैजिस्ट्रेट ने उसको पनिशमेंट दिया था 3 months ऑन द आइलैंड, यानी जेल में रहने का भी 3 महीने के लिए कद किया गया था उसको कुछ नहीं करने के लिए। चलन देयर आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि इनके स्टोरीज का अनएक्सपेक्टेड एंडिंग जो होता है इट्स अ स्टाइल ऑफ हिज राइटिंग। सो चिल्ड्रन व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस कि मेनी टाइम्स वी हैव सर्टन एक्सपेक्टेशंस या फिर जिंदगी से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, हम लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं और वो सब चीज़ें हम लोग को एल्यूड करती है, हम लोग को अवॉइड करती है, नहीं मिलती है। पर कभी कभी चीज चलो ऐसे होता है कि वेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट सर्टन थिंग्स टू हैपन देन दोज थिंग्स हैपन विथ यू। 4 बार उसने ट्राई किया था बच्चों लोग, फॉर द फर्स्ट टाइम दैट रेस्टोरेंट मैलर डक वाला, फॉर द सेकेंड टाइम चिल्ड्रन ही ट्राइड थ्रोइंग अ स्टोन एंड ब्रेकिंग द विंडो, द थर्ड वन चिल्ड्रन दैट मॉडरेट वाला रेस्टोरेंट जहाँ पे जाके वो मस्त पेट भर के खा के आया था, बस उन्होंने उसको उठा के फुटपाथ पे फेंका था, द थर्ड टाइम चिल्ड्रन विद दैट अम्ब्रेला, और द फोर्थ टाइम विद दैट अम्ब्रेला, एंड एवरी टाइम चिल्ड्रन पुलिस लोग उसको नहीं अरेस्ट कर रही थी, और यहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया था चिल्ड्रन कुछ नहीं करने के लिए, और उसको जेल में डाला गया था। एक इंसान जब बदलना चाहता था, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, तो सिस्टम ऐसे होता है कि बच्चे लोग ये लोग उसे वो चांस छीन लेते हैं। सो दैट्स द स्टोरी दैट वी हैव चिल्ड्रन या यू कैन जस्ट गूगल आउट मोर, आप चाहे थोड़ा होमवर्क कर सकते हो कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया था करके, ये आपके लिए होमवर्क हो सकता है एंड विल रियली एन्जॉय। चिल्ड्रन व्हेन आई एक्सप्लेन यू कुछ वर्ड्स हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ, जब आप इसको रीड करोगे एक बार, सी मैंने आपको बताया आपको सीधा फेब्रुवरी में याद आ गया एग्जाम के लिए, ऐसे होगा नहीं, आपको भी थोड़ा खुद रीड करना पड़ेगा। जब हम लोग इसका समरीज के साथ साथ आइस ब्रेकर्स और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर चिल्ड्रन। ये सब लेसन हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले, तो टिल देन बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, इट्स एन इम्पॉर्टेंट ईयर फॉर योर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स 2021 February. That's going to be a target.